किशन जी। तो रवि किशन जी, आप पूजा पाठ में, अर्चना में काफी बिलीव रखते हैं और हमेशा हम आपको पूजा पाठ करते हुए देखते हैं, तो इस बार किस तरह से पप्पा को घर में आगमन हुआ है और किस तरह का माहौल है, कितनी पॉजिटिविटी आती है? देखिए, ईश्वर को याद करना आप या महसूस खुद ही कर रही, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बस ये क्यों अच्छा लगता है? जब आप उस ऊर्जा को धन्यवाद देते हैं जिसकी वजह से आप अपने माता पिता को धन्यवाद देते हैं, वैसे वो सबके जगत पिता और ये पिता के पुत्र हैं, जो मेरे देव हैं, जो मेरे इष्ट महादेव हैं, उनके पुत्र की सेवा कर। और मेरा मुकाम क्या, पूरा विश्व जानता मैं कौन हूँ, विश्व जानता है और अब और अच्छे से जान गया, देश जान गया, वो एक अलग चीज, ये भाव अलग है। अब हमारे पूज्य महाराज जी को देखिए, योगी महाराज जी को, वो मुख्यमंत्री बन गए लेकिन वो पूजा जब करते हैं वो आप भाव देखिएगा कभी, हमारे प्रधानमंत्री जब पूजा करते हैं वो भाव देखिएगा, कैसे शिव में लीन हो जाते हैं, कैसे गंगा स्नान करते हैं, कैसे बड़ी बड़ी आरती करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये शक्तियाँ आप लोग को कभी डिप्रेशन नहीं आएगा, आप लोग कभी हार का सामना नहीं करोगे। ये जितने भी एथिस्ट लोग हैं या जितने भी ईश्वर को नहीं मानते हैं या नहीं मानने का ढोंग करते हैं, देखिएगा बड़े तकलीफ में रहते हैं ज़्यादातर। कल ही हम मृत्यु को मात दे गया और ऐसे न जाने में कई बार मैं मृत्यु को मात दिया। बहुत सारे रूप होते हैं, जब उनका चयन करना होता है, किस प्रकार आप करते हैं, आपके फैमिली के कोई मेंबर है जो चयन करते हैं कि नहीं, गणपति पापा को घर पर लेकर? सक्षम हमारे पुत्र करते हैं सक्षम, और ये गणेश जी कैसे आना है, वो कैसे दिखेंगे, और ये हमारे बेटे के हाथ में उसकी जिम्मेदारी। आइए आइए, स्वागत है आपका, और हमारी पत्नी करती है, लेकिन सक्षम गणेश जी कैसे होंगे वो सक्षम, ये इको फ्रेंडली है। बिकॉज मैं नहीं, मुझे बहुत दुख होता है जब समंदर में देखता हूँ गणेश जी के हाथ पैर टूटे हुए अगले दिन सुबह, और गलत तरीके से पड़े हुए, और न जाने कितनी मछलियाँ मर गई, न जाने कितने जंतु जो पानी में रहते हैं वो गणेश जी को डालने के बाद, वो क्योंकि उनको कलर वलर पेंट रहता, वो केमिकल से मरते हैं। प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं जल संरक्षण करना, हम लोगों को पानी बचाना है, पानी की रक्षा करनी है हमको, न कि पानी का नाश करना। तो वो मैं तो सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपया आप लोग इको फ्रेंडली गणेश जी लाएं और वो गणेश जी पानी में विसर्जन करना बंद करें। आप गोरखपुर गणपति की बात करते तो महाराष्ट्र और मुंबई में खास करके ज्यादा उत्साहित और ही गणपति बप्पा हर जगह नजर आते हैं, लेकिन जब भाजपा पार्टी की बात करें या पीएम मोदी या योगी जी की बात करें, हर कोई भक्तिमय होता है, तो आप आगे, आपका ऐसा कोई प्लान है कि गणपति बप्पा को गोरखपुर में भी बिठाया जाए और वहाँ भी इस तरह से पूजा अर्चना हो? हाँ, ये मेरा प्लान है, हम वहाँ पर गणपति अगले साल से करेंगे। अच्छा, आपने भी आइडिया दे दिया और मेरे दिमाग में आ गया, इसको अगले साल से करेंगे। किस तरह, क्या कुछ दिया वहाँ? दर्शन होंगे सबके, पूजा पाठ होगी, शंख बजेगा, नगाड़ा बजेगा, बस भाव होंगे वहाँ पे। तो खुद गोरक्षनाथ बाबा हैं, शिव अवतार हैं, तो वहीं पे अगर गणेश जी आएंगे तो वो भी, पिता भी खुश हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा। गोरक्षनाथ में वहाँ पे गणेश के बारे में वंदना होनी चाहिए, लोग करते हैं, हम सुने, हमको बुलाए हैं, न्योता दिए हैं, लोग करते हैं, लेकिन मेरे द्वारा हो तो अच्छा है। तो सांसद बनने के बाद क्या, कितना कुछ बदलाव आ गया है, कितना कुछ चेंज हो गया है अपना लाइफ में? कुछ लग रहा है, पहले से 10 किलो कम हो गया वजन, बाकी कुछ काम में कोई बदलाव ज्यादा? बहुत मेहनत बहुत हो रही है, मदद करना है तो आपको 24 घंटा सतर्क रहना है, काम बहुत हो रहा है, 20,000 करोड़ का निवेश हुआ है गोरखपुर, काम बहुत बढ़ गया और इसीलिए लोग जिताए हमको, तो काम कर रहा हूँ, मतलब कोई एहसान नहीं कर रहा, जनता इसी विश्वास पे जिताई थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये हीरो जीत के यही आएगा बार बार, ये उनके लिए सरप्राइज है। पार्लियामेंट में 100% अटेंडेंस होगा, ये सरप्राइज है, इतने सवाल उठाएंगे हम पार्लियामेंट में, इतने बिल पेश करेंगे, ये देश के लिए सरप्राइज है, ये अद्भुत चीज होगी जो महादेव करवाए हमसे। लोगों को लगा था जीत जात के चले जाएंगे, शूटिंग वूटिंग करेंगे,
ये जीत के हमारी समस्याओं के साथ हम लोगों के लिए नाले पानी में उतरेंगे, ये लोगों ने नहीं सोचा। आज अमित शाह जी का भी मुंबई में आगमन हुआ है गणपति पे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। उनका तो अरे वो हमारे देश के शासी इतने बड़े होम मिनिस्टर हैं, 370 और 35 से उन्हीं के बल पर हुआ है, तो उनका स्वागत है और मैं भी मिलने जाऊंगा। बस आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए आगे और भी खबरों को देखने के लिए। कैमरामैन अजय के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज इंडिया, मुंबई। सर एक ऐसे नहीं देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूँ रवि किशन, गणपति बप्पा मोरिया। SNI देखने वाले सभी दर्शकों को ढेर सारी गणेश भगवान की शुभकामनाएं और महादेव आप लोगों के घर में बहुत सारी खुशियां दें।